श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे गुप्त काम करने के लिए जो समय होता है सर्वोत्तम, वो हम बताने जा रहे हैं आपको, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। देखिए, पंच महाभूतों की ऊर्जा के प्रयोग का विज्ञान वास्तु शास्त्र है। सूर्य से जितनी ऊर्जा पृथ्वीवासी प्राप्त करते हैं उतनी किसी अन्य स्रोत से प्राप्त नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र मानते हैं कि सूरज की किरणों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को अलग अलग रूप में प्रभावित करता है। सूरज की पहली किरण के साथ दिन का आरंभ होता है और अंतिम से अंत। रोजाना की दिनचर्या में बहुत से काम किए जाते हैं ताकि रात को आराम से नींद के आगोश में जाया जा सके, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें गुप्त रूप से करना होता है, तो हम आप वही आपको बताने जा रहे हैं। रात के 3 बजे तक नींद का प्रभाव अधिक होता है, तो इस वक्त का प्रयोग धन, कीमती वस्तु, आभूषण आदि की गिनती सुरक्षा के लिए किया जाए तो सबसे अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त आपकी जो भी गोपनीय गतिविधियां हैं इसी दौरान करनी चाहिए। पुराने समय में राजा महाराजा इस समय का उपयोग राज्य कार्यों से संबंध रखने वाली गुप्त गतिविधियों के लिए करते थे। दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय आराम के लिए उत्तम माना गया है, क्योंकि इस समय में सूर्यदेव दक्षिण दिशा में होते हैं इसलिए उनकी किरणों की गति कम होती है, पर वो 12 से 3 ही करना है, 3 के बाद आराम करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सूर्योदय से पूर्व यानी कि 3 बजे से 6 बजे तक परिवेश में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है, तो उस वक्त सोना होना नहीं चाहिए। इस दौरान किए गए अध्ययन, पूजन और सृजनात्मक कार्य अधिक फलीभूत होते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय सूर्य की किरणों का प्रभाव अधिक होता है, क्योंकि उस समय सूर्य नारायण दक्षिण पूर्व दिशा में होते हैं। कपड़े धोकर इसी दिशा में सुखाएं, दक्षिण पूर्व। अध्ययन, मुलाकात, लेखन, नई योजना के लिए दोपहर 3 बजे से लेकर शाम को 6 या 7 बजे तक करनी चाहिए, क्योंकि इस समय सूर्यदेव की किरणों का प्रभाव कम होने लगता है। जिस घर में सूर्य की पहली किरण से लेकर अंतिम किरण तक उजाला रहता है उस घर में सदा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। जिस घर में सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है वहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक होता है। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक सूर्य की किरणों का घर में प्रवेश सबसे शुभ माना जाता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।